मैं खमा खाई तो और वेलकम टू माय व्लॉग चैनल नीलम हरण प्रताप। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नीलम हरण प्रताप पे। तो यहाँ पे हो चुकी है मॉर्निंग की शुरुआत, वो भी वाइट पास्ता के साथ। तो अभी हम कर रहे हैं नाश्ता की लड़ाई। ये हमारे भाभी साहब नाश्ते के बाद में चाय लेके आ चुके हैं और भैया को काम मिला है निशी के कपड़े छाटने का, है सर्दी और गर्मियों के एसी विदाउट एसी। तो ये अभी ये काम कर रहा है। तो भाभी साहब ने बोले थे निशी के पास कपड़े नहीं है, कपड़े निकाल तो एक तो हो दिया ना, बहुत सारे कपड़े। और अभी हम पियेंगे चाय। ये भाभी साहब देखो, ये बोल रहे कपड़े नहीं है, फिर इतने सारे कपड़े निकलते कहते अच्छा मैं तो ये ढूंढ रही थी जूते। और ये निशीरी आ चुके दोनों दादा पोते, एक साल लग रहा है घरों बाहर निकाल दिया। निश्चित आगे की तू और अब निश्चित ना के हो चुकी है रेडी। इसके दाद आ रहे हैं इसलिए इसको हर चीज खाने को चाहिए। और इसके पापा ने टोकरियां भर भर के आज कपड़े जमाए हैं। वाह ये देखो, अब भाभी साहब कह रहे हैं ओका ही जमाए हो यार। हेलो एवरीवन, तो अब मैं आपको मिलाती हूँ हमारे भैया से। आप सब जानते होंगे भैया को, मैं तो लंबी हूँ, ये मेरे से छोटा है। और ये हमारे टेक्निकल गुरु, एडवाइजर, फाइनेंसर है। सब इन्हीं की कृपा से आज हमारे 50,000 सब्सक्राइबर से ज्यादा हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताए मुझे आप क्या गिफ्ट देना चाहेंगे अपने, आपकी वाइफ को तो वन प्लस 9R दे दिया कर। ये बोल रहा था आईफोन दिलाऊंगा मैं सपने में। सही बोल रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी लंच का टाइम हो चुका है, मैं जो सुनाने वाली थी सर बोला कल दूध वाला आया नहीं, सोचा छाछ बनाई नहीं थी। अब मैं लेने जा रही हूँ डेयरी से सब छाछ जो पापा खाना खाएंगे। तो पहले मैं छाछ लेके आती हूँ। और मेरी जिपुटर आ चुकी है क्योंकि ये मेरी है तो मेरे साथ रहेगी अभी। ये अब मैं तो उसके घूम आके एकदम रेडी। 11:30 हो गए हैं, पूजा भी मैंने कर ली है। और यहाँ पापा ले रहे हैं अपनी दवाइयाँ। वाह पापा इतनी सारी दवाइयाँ। अलीसा किचन का काम कर रहे हैं और भैया सुबह से सिर्फ अलसी जैसे सो रहा है। करेंगे हम लंच जब मम्मी आ जाएंगे। राधे राधे कर तू, राधे राधे कर तू, राधे राधे निशिता, राधे राधे कर तू, राधे राधे निशिता, राधे राधे। गौर से देखिए इस माँ को, ये वही माँ है जो अपनी बेटी से बात भी नहीं करती है। हमें से बात क्यों नहीं करते जब मैं ससुराल रहती हूँ तब? मेरे को टाइम ही नहीं मिलता। गौर भेज देती मेरी। तो आज कई दिनों बाद भारी गर्मी के बाद बारिश हो चुकी है। चालू गेट खोल, लाइट भी गेट बंद करना पड़ेगा। बहुत स्थिति अंदर क्या खुली खुली है वहां पर, तो खुली करो भाई आवाज पे तो गेट बंद हो रही है। मिट्टी मिट्टी मम्मी सीध गया। दीपक आई ढूंढ रहे मम्मी, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? फिर से बंद कर क्यों मम्मी? आप मेरे व्लॉग में बोलते क्यों नहीं हो?
मम्मी, मेरी मम्मी। हेलो हेलो मम्मी। हेलो हेलो मम्मी, क्यों बारिश में आप बाहर जा रहे हो? इतना इग्नोर मम्मी मुझे। अच्छा मुंह पे उठा रहे हैं। अभी हो चुकी है बारिश चालू। आज कहीं बाहर जाने का प्लान था मेरा, मास्क वगैरह हमें संभाल लेने, लेकिन बारिश में जैसे सब कैंसिल हो गया है। तो दिन भर तो गर्मी थी, अभी बारिश आ रही है, पर ठीक है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा मौसम। मम्मी अब आ रहे हैं। मम्मी ने पापा ने मम्मी को निकाल दिया बाहर और लगा दिया गेट। अब फिर भी मम्मी इधर से आ गए। हमारे घर में दो दरवाजे हैं, पापा मम्मी को इधर से निकाल देते हैं तो मम्मी इधर तीन हो जाते हैं। वो मैं मंडन जाऊँ तहसील में, जो तो पूछ रहा हूँ, वो लेटर मार कर रेवा जो तहसील में। दीपा को AWS रिन्यू करवाना है। रिन्यू करवाना है AWS। ले आई ना मेरे पास सबको घुमा दे। अरे हमारी नीचे उठ चुकी है। पापा पैर में कौन है? खाए को नहीं ऊपर से आ रही। गुनीता ये मेरे पास आती नहीं है, अपन दादा के पास ही लेता है। बेटा बुआ के पास नहीं है। सेकंड टी इज अवेलेबल। नहीं दूसरी चाय आएगी। अब चाय पी वाला बेटा को मौसम मेरा फोन कट बाजो। मैं और पापा पापा जी लेने जा रहे थे मार्केट, लेकिन सड़कों के काम की वजह से जो सड़क की गंदी हालत हो रखी थी ना वो आपको दिखा नहीं। एक तो बारिश और ऊपर से सड़कों की खुदाई ने बहुत गंदा बना रखा है अभी किशनगढ़ को, तो इतना केयरफुली जाना पड़ता ना बहुत ज़्यादा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं हमारी पावा जी स्टॉल। अभी तैयार हो गई हमारे घर मगर पावा जी और चाउमीन, इनको लेके हम चलेंगे घर। तो अभी हम आ चुके हैं पावा जी लेके घर और निशिता अपना डिनर कर रही है। गरम है, गरम गरम है। ओ बालाजी, ओ बालाजी गरम है। क्यों बनाती, क्यों जो कोई सड़क खराब हो रही है यार, कोई सड़क जल्दी हम ड्राइवर थोड़ी गया। तो वे पे जो घी डाल के कर लो, तेल डालो था खींचे। अब यहाँ भाई साहब ने बनाई है रापड़ी, मैं चाउमीन भी लाई थी। अटन वटन होगा जगह बजने वाले हैं 10 और यहाँ मैं मेरे भैया के लिए दूध गर्म कर रही हूँ। डिनर हो ही गया था और दूध पियेंगे जब तक दूध गर्म हो गया, थोड़ी बातें कर लेते हैं। और लेकिन जैसे ही मेरा आने का यहाँ प्लान बना तब से मेरी बीएड के एग्ज़ाम भी की डेट भी आ गई जो कि 15 से है। मतलब हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है, जब भी मैं यहाँ रहने के लिए आती हूँ या तो एग्ज़ाम होता है या कॉलेज का कोई ना कोई प्रोग्राम आ जाता है तो मुझे वहाँ मैं वहाँ बिजी हो जाती हूँ। तो आने लगा तो कोई टेंशन, मतलब एग्ज़ाम रेगुलर है 15 से तो डेली आना जाना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए, तो मैं यहाँ से कहीं आ जा नहीं सकती अभी भी पढ़ाई स्टार्ट करने से। आई डोंट नो वाई मुझे मेहनत ऐसा क्यों होता है, लेकिन बी एड लास्ट ईयर है, आई होप तो नेक्स्ट ईयर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है, पहले दूध पी लेते हैं दूध। आज के ब्लॉग का एंड यही कह रहे हैं, अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद आ रहे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड व्यूज ज़्यादा से ज़्यादा आने चाहिए।